जी ऑनलाइन क्लास आपको आवाज आ रही है? आप लोगों को आवाज आ रही है और आपको स्क्रीन नजर आ रही है सर की? जी ऑनलाइन क्लास के बताएगा आपको। जी एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज पूछनी हो आपको? जी ऑनलाइन क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है, बताएगा कोई सर को? चलिए चलिए एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई चीज पूछनी है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन यहां से शुरू कर लेते हैं। हमने क्या देखा था कि हमने टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग एक्चुअली ये टेस्टिंग है, टेस्टिंग एग्जीक्यूशन है। इससे पहले एनवायरमेंट होना जरूरी है, इससे पहले टेस्ट केस होना जरूरी है। ये तीन चीजें तो खैर जरूरी है, लेकिन टेस्टिंग की प्लानिंग के टेस्टिंग 2 हफ्ते की होगी या 2 महीने की होगी या बहुत ज्यादा होगी, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अगर लार्ज है, कॉम्प्लेक्स है, तो ज्यादा टेस्टिंग होगी, अगर छोटा है तो लेस टेस्टिंग। तो दैट विल डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो जो आपको डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन क्लास आप लोगों को आवाज आ रही है? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? लॉग इन करके सर सब गायब हो गए। ठीक है, 3 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। चलिए खैर, तो ये बात है। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगा कितना बड़ा कितनी रिक्वायरमेंट, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे, फिर टेस्ट केस बनाएंगे। तो टेस्ट केस में हमने कुछ कल बातें की थी, याद है किसी को टेस्ट केस क्या चीज होती है? बहुत जबरदस्त, ये बादाम खाती है और कोई नहीं खाता। हाँ बताइए जी, बताइए ना, पूरी क्लास कैसे सीखेगी जब आप नहीं बताएंगे तो? जी स्टेप, डेटा और रिजल्ट, तीन चीजें थी, इतनी से तो याद रहना चाहिए, आप इतना भी नहीं याद रहेगा तो अभी हमारी डाइट में कोई कमी है, हमारी जो है ना वो मेमोरी प्रोसेस नहीं हो पा रही है। मैं ऑयलिंग वॉयलिंग कराइए, एग्जाम आने वाला है बहुत जल्दी। चलिए, तो ये टेस्ट केस होता है। ठीक है, और हमने कहा था सारे सिनेरियो चेक करने, तो एक स्क्रीन पे दे कैन हैव डिफरेंट, एक स्क्रीन अगर है तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एक टेस्ट केस, 2 टेस्ट केस, 3 टेस्ट केस, अगर बहुत कॉम्प्लेक्स स्क्रीन है तो आई हैव सीन 50-60 टेस्ट केसेस ऑन वन स्क्रीन, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्क्रीन। वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन 10-15 टेस्ट सिनेरियोज ऑन वन स्क्रीन इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो टेस्ट केस बनेगा, फिर टेस्ट एनवायरनमेंट बनेगी और एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा, मैंने टेस्ट केस बनाया और इस पर टेस्ट किया है, स्टेप्स फॉलो किए, डेटा डाला, तो क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट के हिसाब से, या तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट अब आ जाएगा तो ठीक है वो पास हो जाएगा, नहीं तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे? अगर मैंने ये पास हो गए और 3 फेल हो गए, अब क्या करूंगा? ठीक है, तो गो बैक टू द डेवलपर कि भाई इसको सही करो। ठीक है, तो डेवलपर की तो मैंने शक्ल नहीं देखी है, तो क्या करूंगा,
मेरे पास जो टेस्ट केसेस आए थे उसी रिपोर्ट में मैं उसको सारी चीज बता दूंगा और वो रिपोर्ट पॉपुलेट हो गई जहां से आई थी वहीं चली जाएगी. आई रियली डोंट नो, इट्स ऑल टूल विच इज हेल्पिंग मी आउट. तो मुझे हबीबुर रहमान साहब के कोड मिला था और मैंने इसमें सारी रिपोर्ट डाल दी. अब वो सॉफ्टवेयर हबीबुर रहमान साहब को रिपोर्ट कर देगा, जो भी असलम साहब है जिनको भी है उनको रिपोर्ट कर देगा कि भाई ये आपके टेस्ट केसेस ओपन है, फेल हो रहे हैं, ठीक है ये पास हो गए ये ओपन है, इनको सही करिए देखिए. फिर मेरे पास दोबारा से आएगा, दैट इज सेकेंड आइट्रेशन. अब ये चेक हो चुके हैं, सेकेंड आइट्रेशन आएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, बहुत ज्यादा आइट्रेशन आ सकती है, नहीं आ सकती है, 3-4-5 आइट्रेशन आ सकती है. तो भाई करके आ रहे हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, अगर 4 आइट्रेशन आ रही है तो आई शुड हैव द क्वेश्चन कि भाई क्या कर रहे हो, ना व्हाट आर यू डूइंग. चलो पहली दफा गलती हो गई, दूसरी दफा गलती हो गई, आई जा रही है गलती आई जा रही है, उसका मतलब है सॉफ्टवेयर डिवेलपर से क्वेश्चन करना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई दिस एरर्स आर कमिंग. एक दफा दो दफा बस खत्म हो गई, दो दफा की आइट्रेशन, तीसरी चौथी पांचवी. तो आई एम क्वेश्चनिंग द डिवेलपर, क्या कर रहे हो भाई, पहली दफा में काम क्यों सही नहीं है, चलो गलती हो गई तीसरी दफा दूसरी दफा, बट शुड नॉट हैव मेनी आइट्रेशन. बस समझ में आ रही है, दैट इज कंट्रोल. चलिए तो आगे चलते हैं. ये एंट्री क्राइटेरिया एग्जिट क्राइटेरिया समझ में आया, आया समझ में नहीं आया, व्हाट इज एंट्री क्राइटेरिया व्हाट इज एग्जिट क्राइटेरिया. सॉफ्टवेयर की प्लानिंग नहीं हो सकती है अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दैट इज एन एंट्री क्राइटेरिया. अगर रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट नहीं है और वो प्रिपरेशन नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ, वो आप देंगे तो मैं बताऊंगा. ठीक है, वो डेवलपमेंट में चला जाएगा और हम टेस्ट की प्लानिंग कर लेंगे, कोई टूल सिखाना है सारी चीजें. तो एंट्री क्राइटेरिया है कि अब तक ये नहीं होगा ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं हो पाएगा, और ये होने के बाद ये हो जाना चाहिए. ठीक है, टेस्ट केसेस, ठीक है ये सब हमने पढ़ लिया. ठीक है, तो टेस्ट केसेस में हमने तीन चीजें पढ़ ली, क्या होना चाहिए, हमारे पास स्टेप्स होना चाहिए, हमारे पास डेटा होना चाहिए, डेटा दोनों तरह का होगा, वैलिड भी होगा, वैलिड से ये रिजल्ट आएगा, इनवैलिड से ये रिजल्ट आएगा. ठीक है, लेकिन अगर हम कोई जब हम बड़ी टीम का पार्ट होते हैं तो नॉर्मली हमें टेस्ट केसेस तैयार कर लेते हैं, लेकिन फिर हम कोई टूल यूज कर रहे होते हैं, तो टूल के लिए जब आप यही चीजें लिखते हैं तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट स्क्रिप्ट, क्योंकि आप उस टूल को बताते हैं कि भाई ये वाला टेस्ट कर लो, ये वाला टेस्ट कर लो और इतनी दफा कर लो. ठीक है, ठीक है, टेस्ट क्रिएट टेस्ट केस, ठीक है, आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आप टेस्ट केस बनाएंगे, डेटा डालेंगे और टेस्ट ऑटोमेशन अगर है तो ये सब करेंगे. कोई बताएगा एनवायरनमेंट क्यों जरूरी है, सर ने बताया था ये बात, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होती है, व्हाई दिस इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट जो कस्टमर की हो, बिल्कुल क्यों जरूरी है. हाँ ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई एक छोटी सी चीज नहीं चल रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड, सॉफ्टवेयर हाउस में तो कोई मसला नहीं है, बट मैंने एग्जाम्पल दी थी बैंक की, ये बैंक है पूरे पाकिस्तान में चल रहा है और आप कहते हैं 15 मिनट के लिए आप डाउन कराएंगे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कह देगा बैंक बंद है 15 मिनट के लिए. लेकिन एक छोटी सी चीज नहीं चल रही है और अगर 4 घंटे के लिए अगर बैंक नहीं चल रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. आपकी गर्दन आप लेगा, भाई क्या कर रहे थे, पहले से प्लान क्यों नहीं किया था, टेस्ट एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट नहीं की थी ये लाने से पहले, तो सारे क्वेश्चन आप पे आ जाएंगे द वेंडर, ये क्यों नहीं किया था, ये एनवायरनमेंट क्यों नहीं की थी, ये बग क्यों नहीं पहले से लोड किया था, क्यों रह गया ये. ठीक है ना, ये वो नहीं है कि भाई मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन गलती से मर गया, कोई बात नहीं दूसरा ले आओ मरीज, नहीं गलती क्यों हो गई भाई, यू नो दिस इज वेरी सीवियर, यू कांट अफोर्ड टू, तो दिस इज वेरी सीवियर. ठीक है, तो जब हम FIP कर रहे हैं तो यहाँ तो ठीक है ना, अभी सीख रहे हैं गलती कर रहे हैं, लेकिन व्हेन यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल वर्क यू आर नॉट सपोज्ड टू. ठीक है, तो टेस्ट एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. डिज्नीलैंड का नाम सुना है किसी ने, क्या करते हैं, एक तो एक जगह है खेलने की, दे बिल्ड मूवीज, मूवीज बनती है, डिज्नीलैंड वाले बनाते हैं कार्टून मूवीज. लायन किंग का नाम सुना है,
लाइन किंग को सर्च कीजिएगा, जब पहली दफा बनी थी तो क्या हुआ था, व्हाट वेंट रॉन्ग। एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कैंपेन की गई कि जनाब क्रिसमस के ऊपर एक लायन किंग नाम का सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा, बच्चे देखेंगे, बच्चे लाइन में लेके खरीद रहे हैं और क्रिसमस पे जब चला रहे हैं तो नहीं चल रहा है। वेरी स्मॉल थिंग वेंट रॉन्ग, क्या चीज, एनवायरमेंट। सोच के बताएं क्या होगा, द होल डिवेलपमेंट वॉज डन ऑन एप्पल कंप्यूटर्स। आम घरों में तो एप्पल नहीं होता है, या होता है, वेरी फ्यू। जब बच्चे घर लेके गए तो वो नहीं चल रहा है। इट्स नॉट $50, बात यह कि मैं कोई चीज लेकर आया हूं, मेरी सालगिरह है, केक लेकर आया हूं तो केक खड़ा हुआ निकला है। इट्स नॉट मैटर ऑफ मनी, इट इज मैटर ऑफ इमोशन। ओ भाई ये तो चल नहीं रहा है, बच्चा रो रहा है, यू अंडरस्टैंड द डिजास्टर, द इमोशनल क्राइसिस। चार बच्चे रो रहे हैं, भाई क्या करूं, मैं लाया तो हूं, नहीं चल रहा तो मैं, है ना, द डिज्नी हैज टू पैसे वापस करो, लो, डैमेज हो गया ना। Why? Because भाई चला के देख लेते हैं कि ये IBM environment पे चलेगा नहीं चलेगा। तुमने तो बना दिया और दे भी दिया लोगों को, लेकिन है ना हमारे यहाँ तो चल रहा है। अबे हाँ चल रहा है तुम्हारे यहाँ, but you know you've got an Apple computer, not IBM computer. Understand? So now this is very serious. The professional environment you need to understand what is the customer environment, what is the user's environment. ठीक है, हम एक एप्लीकेशन बना रहे थे, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन बनाई। जब कस्टमर के पास गए तो हमें पता चल गया कि उनके पास ओल्डर वर्जन है, और बैंक से बोला कि आप नए वर्जन पे लेंगे, बैंक का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हजारों लोगों का लाइसेंस लिया हुआ है भाई हमने, व्हाई वुड वी बाय परचेज द हायर वर्जन, व्हाई तुम लोअर वर्जन में बनाओ, देन री राइट एन एप्लीकेशन ऑन ए लोअर वर्जन, जो पुराना वर्जन था। बात समझ में आ रही है, फॉर यू इट्स वेरी, नए वाले टूल पे बनाएंगे भाई, नहीं बनाएंगे ना नए वाले टूल पे, क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ टूल्स लगे हुए हैं, तो ऑन अ लोअर वर्जन ऑफ दी विंडोज, लोअर वर्जन ऑफ दी, क्योंकि उसने किया हुआ है ना खर्चा, आपके लिए टूल थोड़ी खरीदेगा, है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने टेक्स्ट एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी रिपोर्ट आ रही है, पास या फेल, अब समझ में आ गया होगा, पास होगा या फेल होगा उसको रिपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट टीम को, ठीक है, ठीक है। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर टेकिंग नोट। मैं एक, अगर आप इजाजत दें तो दो मिनट में बता दूंगे व्हाट इज लर्निंग। अगर आपके तीन सेंसेस नहीं चल रहे तो यू आर नॉट लर्निंग, खाली कान और आंख चल रहे तो यू आर नॉट प्रोसेसिंग। ये बात पता है, वालेकुम सलाम, क्या कह रहे हैं सर, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो खाली कान और आंखों से काम नहीं होगा, यू नीड टू इन्वॉल्व अनदर समथिंग। If your processor is sleeping, so you will not learn. So processor को कैसे जगाना होगा? है, what is, है processor किसी के पास है या नहीं है? सब पुराना हो गया, अब तो 16-17 साल पुराना। So how do you activate your processor? Focus कैसे करेंगे, attention कैसे करेंगे, engage कैसे करेंगे सर के lecture से? जी सर तो नहीं कर रहे ना, सर तो चार दफा पूछा है बेटा समझ में आया, तो यहाँ बेटा का जवाब ही नहीं आ रहा है, या सर नो कुछ तो बोले ना, इंटरेक्ट तो तब करेंगे ना। हाँ ट्राई अंडरस्टैंड लर्निंग कैसे होगी, दिस इज मैंडेटरी फॉर दी स्टूडेंट, कि मैं क्लास में हूँ, कॉपी नहीं है, पेंसिल नहीं है, नो दिस इज रॉन्ग, मैं दाने जंग में हूँ, तलवार घर भूल कर आया हूँ। द लर्निंग प्रोसेस इज यू नीड टू यूज डिफरेंट, नाक अपना कान और आंखों के अलावा आपका प्रोसेसर कैसे होगा, आप सर की बात सुनेंगे और अपने माइंड में प्रोसेस करेंगे और हाथ के जरिए उसको नोट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब आप प्रोसेस करते हैं ना, तो सर ने क्या कहा समझ में आ गया, लेकिन क्या मेरी समझ में आया, कैन आई रिप्रोड्यूस इट ऑन द नोट। अब ये एक सवाल है जो अगर नोट पे नहीं आ रहा है तो दिस इज लेस देन 20% लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू द लेक्चर, बट वेन यू राइट इट डाउन ऑन द पीस ऑफ नोट तो ये 50% हो जाती है, एंड देन यू गो होम एंड रिवाइज इट, देन 80%, नॉट इवन 100%। हम तो यहाँ से 20% से कम लेके जा रहे हैं, और जब दोबारा दूसरे दिन सर पूछते हैं
तो हमें याद नहीं होता क्यों, क्योंकि अडॉप्ट जो कॉम्प्रिहेंशन था वो लेस देन 20% था। तो अल्लाह ताला ने एक अच्छा टूल दिया है मगर उसको फ्रीजर में रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं करना है। जब वापस जाएंगे तो अल्लाह ताला बिल्कुल फ्रेश लाए हूँ, किसी और में डाल के भेज दें नीचे, मजाक कर रहा हूँ। तो यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन, दीज आर टेक्निक, ठीक है। तो नोट लीजिए, रिवाइज करिए और कॉम्प्रिहेंड जो हो गया है उसको रिटेन करिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ 3-4 सालों से, इफ आई डोंट रीड बुक, इफ आई डोंट रिवाइज, आने से पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। Although I spent 20 years in the industry doing all those things, but I need to revise. ये आपको भी करना होगा, ठीक है? So if you are not taking notes, then you are taking only less than 20% from this class. ये टीचर का कोई कसूर नहीं है, है या टीचर का कोई कसूर? टीचर का कोई कसूर नहीं है। You are not compliant. ये क्योंकि घर में बैठे होते हैं ना, अम्मी नाश्ता ला रही हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, तो आदत पड़ गई है हमें नोट्स ना लेने की। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, टेस्ट एग्जीक्यूशन हो गई, पास हो गया, फेल हो गया, और टेस्ट केसेस हो गए, रिपोर्ट हो गई, ठीक है। ठीक है, टेस्ट केस हो गया, टेस्ट डेटा हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रैक डिफेक्ट टू द क्लोजर। जब तक क्लोज नहीं होता आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, जब तक क्लोज नहीं हो जाता, जब सारे पास हो जाएंगे, 15 के 15 पास हो जाएंगे, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है, फिर मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। ठीक है, अच्छा एक साइड नोट है कि हमने पढ़ा था प्रोसेस एंड मैच्योर प्रोसेस। तो मैच्योर प्रोसेस की डेफिनेशन ये थी जहां गलतियां कम हो, ठीक है। तब जरा समझते हैं कि सर मैच्योर प्रोसेस का क्या मतलब है। सर ने क्वालिटी इश्योरेंस की भी बात की थी, याद है किसी को? जरा वो कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे कि सर ने क्या बात की थी और मैच्योर प्रोसेस होता क्या है। प्यारी थ्योरी थी या कोई फायदा भी था इसका? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्योरी है या कोई फायदा भी है इसका? तो अंडरस्टैंड, ये मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, रिक्वायरमेंट ली, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, ठीक है। ये मैंने कहा जनाब इसमें 80 मैन डेज लगेंगे, क्या डेज कर लेते हैं, चलिए अभी, ठीक है। और ये टेस्टिंग करने में 20 डेज लगेंगे, कौन सी? फर्स्ट आइट्रेशन। अगर इसमें 2 एरर दोबारा से आ गए तो इसमें शायद 6 डेज और लगेंगे, दैट इज सेकंड आइट्रेशन। और अगर थोड़े से और आ गए तो शायद 2 दिन और लगेंगे, दैट इज थर्ड आइट्रेशन। और ये यहां जाएगी और ये यहां जाएगी, जब इसमें 6 दिन लगेंगे तो यहाँ पर भी कुछ लगेंगे, प्लस लेट से उतने ही दिन लग जाएंगे, प्लस 6 डेज इसको सही करने में, फॉर एग्जाम्पल 4 डेज सही होने जा रही है ना, बात समझ में आ रही है? बनाने में कितने दिन लगे थे? 80 डेज, टेस्ट करने में 20 डेज, लेकिन इसमें गलतियां रह गई थी, फेल हुए थे, तो ये दोबारा गया उधर, 6 डेज लगे, फिर यहाँ पर आया तो कुछ डेज लगे, फॉर एग्जाम्पल 6 नहीं लगे होंगे, 15 लग गए होंगे, इनके ज्यादा काम लगा होगा। ये क्या चीज है? दिस इज एडिशनल टाइम एंड कॉस्ट। क्योंकि गलती हुई थी, क्योंकि पहली दफा सही नहीं हुआ था, तो एडिशनल टाइम और कॉस्ट लग रहा है, ये नजर आ रहा है? और अगर ये गलती ना होती तो ये टाइम ना लगता, ये बात भी नजर आ रही है? तो गलती कैसे ना होती, अब बताइए, व्हाट इज प्रिवेंशन, व्हाट इज अश्योरेंस कि ये सारा काम अच्छा होता, इसमें गलती ना होती, पहली आइट्रेशन में पास हो जाता और ये एक्स्ट्रा 20 दिन ना लगते, ये एक्स्ट्रा इतने दिन ना लगते, एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगती मेरी, व्हाट इज मैच्योर प्रोसेस? बात समझ में आ रही है? ये थ्योरी नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस कहलाती है, कि एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है भाई तुम लोगों से, वो 5 दिन में बना दे, तुमसे 7 दिन में क्यों नहीं बनता? देयर इज अ रीजन, योर स्किल सेट, your experience or your focus, something is missing. You are not doing things right first time. So second time, third time, baat samajh mein aa rahi hai? So this is not a mature process jahan galtiyan bahut zyada aa rahi hain.
हमने पढ़ा था ना, गलतियां नहीं आनी चाहिए, मेच्योर प्रोसेस होना चाहिए, स्किल सेट अच्छा होना चाहिए, वो आदमी ठीक है। ठीक है, तो जब तक ये सही नहीं हो जाता ये मैं सही करता रहूंगा। तो भाई ये गलतियां आ क्यों रही हैं डियर डेवलपर, ये गलतियां आ क्यों रही हैं? आई नीड टू क्वेश्चन। मैं तो रोकूंगा यहाँ पर, लेकिन बात समझ आ रही है? तो समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। या तो प्रोसेस की परफॉर्मेंस सही नहीं है, या इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस सही नहीं है। प्रोसेस है ना, ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल नहीं है तो एजाइल इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये आदमी ने काम नहीं करना है। तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस या प्रोसेस की परफॉर्मेंस, ये दोनों चीजें सही होंगी तो आपका सॉफ्टवेयर, प्लीज डोंट टॉक। ये क्लास के अंदर जब आप आते हैं ना, तो ये सारी चीजें बाहर रख के आया करें। ये पहली दफा नहीं है, दिस इज सेकंड टाइम। इफ यू डोंट लिसन देन आई यूज माई अथॉरिटी। मेरी दरखास्त है कि क्लास के अंदर बैठ कर हाय हेलो नहीं क्या करें। दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन एंड इंसल्ट फॉर अ टीचर। मैंने तो नहीं जबरदस्ती कहा आपको सिर्फ अटेंडेंस चाहिए तो आप आ जाइए सर, अटेंडेंस लगा दे। बट इफ यू आर इन ए क्लास देन यू नीड टू लिसन एंड। चलिए खैर, हमने सिखाया कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो आखिरी चीज क्या है, जब तक ये सही नहीं होगा ये आगे नहीं जा सकता। तो जब तक ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन ज्यादा है दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट। सारे लोग रुके हुए हैं, रिलीज जा नहीं सकती क्योंकि बाकी लोगों ने काम नहीं किया, तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रिवेंशन, गलती होती है तो क्यों होती है? या तो लोग सही नहीं है, ट्रेनिंग सही नहीं है, क्या सही नहीं है, दैट इज अश्योरेंस। प्रिवेंशन, लोगों को सही करो, प्रोसेस को सही करो। तो इसलिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स तो अपनी जगह है, लेकिन प्रोफेशनल एनवायरमेंट में यू कैन नॉट अफोर्ड कि ये चीज हो गई, ये चीज नहीं चली, ये चीज हो गई, सर गलती हो गई, है ना। आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करिए, अपनी टीम को इम्प्रूव करिए, ठीक है, ठीक है। तो क्लोजर साइकिल क्या होगा? क्लोज करने के बाद हमें कितना टाइम लगा, कितनी कॉस्ट लगी, क्यों हुआ? हमने सोचा था कि 80 दिन में काम खत्म हो जाएगा, ये 80 दिन में तो नहीं खत्म हुआ, इसमें तो एडिशनल 22 डेज लग गए, तो दैट इज एन एडिशनल कॉस्ट। तो हम देखेंगे ना कहाँ गलती होती है, हमारी एस्टिमेशन में गलती होती है, ये हमारे लोगों की परफॉर्मेंस सही नहीं हो, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुड बी बेटर देन दिस, ठीक है। ऐसे ही आदमी इंप्रूव करता है। आदमी कैसे इंप्रूव करता है, इंसान या ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंप्रूव करती है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करती है, टाइम लगा, कॉस्ट लगा, और उसको इंप्रूव करती है, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो लेसन लर्न, बॉटल नेक क्या थे हमारे हमारे प्रोसेस में, बॉटल नेक क्या थे, हमसे ये नहीं हो रहा था, हमने ये गलत किया था, वो सारी चीजों को आइडेंटिफाई करिए एंड लिसन एंड इम्प्रूव इन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। थोड़े प्रोजेक्ट में आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सपीरियंस। यही है ना एक्सपीरियंस, जब आए थे तो नहीं सीखा था, लेकिन ये करके सीख लिया, फिर ये करके सीख लिया। तो यू शुड ऑलवेज लर्न लेसन फ्रॉम दी फेलियर, ठीक है। फेलियर क्या चीज होती है, क्या चीज होती है फेलियर, वो बताएगा व्हाट इज फेलियर? एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करना। और क्या चीज होती है फेलियर का मतलब है, गौर से सुनिए, फेलियर का मतलब है नॉट सक्सेस दिस टाइम, बस यही मतलब है। ये है मतलब या नहीं है? जिसने बल्ब इजाद किया था कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, जॉन एडिसन कितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, पता है किसी को? ये तो हिस्ट्री का सवाल है सर, हमने तो पढ़ी नहीं हिस्ट्री, साइंसेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये बात भी सही है। उसकी टीम ने 3000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे और कहा था ऐसे नहीं बनता है बल्ब, ऐसे नहीं बनता है बल्ब, बट ही डिड नॉट गिव अप। ओ भाई नहीं बन रहा, छोड़ो, जान छोड़ो, नो, दिस इज नॉट सक्सेस दिस टाइम, फिर उसने इजाद कर लिया, ठीक है। इंडिया ने सैटेलाइट भेजा था, तो जो अब्दुल कलाम आजाद का इंटरव्यू सुना है आपने, बेस्ट टीम आई हैड, यू नो 3 years आई स्पेंड, दिस मच मनी आई हैड, बट इट वॉज ए डिजास्टर। बट हमने कहा नॉट सक्सेस दिस टाइम, नॉट फेलियर, इस वक्त हम अच्छा नहीं कर सके,
दिस इज द फेलियर डेफिनेशन की चेंज कर दी उसने. नॉट फेलियर, नॉट सक्सेसफुल दिस टाइम. ठीक है, दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? एक सक्सेसफुल इंसान में और एक अनसक्सेसफुल इंसान में क्या फर्क होता है? सक्सेसफुल इंसान के चार हाथ होते हैं, ऐसे ही है? नहीं, हार्डवेयर तो सेम होता है. हार्डवेयर तो सेम ही होगा ना, पता थोड़ी चलेगा. तो कैसे पता चलेगा सक्सेसफुल है? सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं हो रहा, वही बचपन वाला विंडो चली हुई है तो आज भी वही विंडो चल रही है. क्लास में आके हाय हेलो करता हूँ, तो भाई बड़ा हो गया हूँ, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस लर्निंग का होना चाहिए. ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप मस्जिद में जाते हैं तो आप हाय हेलो कर सकते हैं, लेकिन जब इमाम साहब ने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी तब तो नहीं हाय हेलो करते ना, आप पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सीखते हैं ना, ये ना मस्जिद से ये नहीं सीखते. तो यहाँ पर भी डेकोरम है कि जब सर आ गए हैं, सर से पहले तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बाहर कुछ भी कर सकते हैं, बट डेकोरम ऑफ द क्लासरूम यू नीड टू इम्प्रूव योर लर्निंग. ये बात कल बता दी थी, फिर भी आज अगर वैसे ही हो रहा है तो फिर सर विल. ठीक है, तो सक्सेसफुल इंसान कैसे होगा? वो अपना दिमाग फ्रीजर से निकालेगा और उसको इस्तेमाल करेगा, उसको रख के नहीं आएगा घर में. तो दिस इज द पावर. जब आप कहते हैं ना फेलियर, तो आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता. You are giving a message to yourself that I am not a successful person. और आप क्या करते हैं? हार मानते हैं और give up कर देते हैं. ऐसे ही है? ऐसे ही है, ऐसे नहीं है? लेकिन जब आपसे नहीं हो तो आप कहते हैं यार नहीं हुआ इस दफा, चलो फिर दोबारा से बैठते हैं, दोबारा से करते हैं, और फिर दोबारा से करते हैं, और फिर दोबारा से करते हैं. तो जितने भी सक्सेसफुल हैं उनकी अगर बायोग्राफी पढ़ेंगे तो क्या पहली दफा सक्सेसफुल हो गए थे? नहीं, कभी नहीं हुए थे. ये बड़ा आदमी बनता है. जैक मा का इंटरव्यू तो लोग सुनते हैं और हर आदमी बच्चा वैसे ही बनने की कोशिश करता है, ऐसा कर लूंगा जैक मा बन जाऊंगा. 15 साल लगाए हैं उसने अंग्रेजी सीखने में. ही इज़ अ चाइनीज़. कभी सुनी है चाइनीज की अंग्रेजी? क्या वो बोल रहा है भाई, से पूछो क्या बोल रहा है. यू डोंट अंडरस्टैंड. इतनी जबरदस्त अंग्रेजी बोलता है. 15 साल लगाए हैं उसने अंग्रेजी सीखने में, फिर टेक्नोलॉजी सीखने में. मेहनत की है उसने, गिव अप नहीं किया उसने. अब वो सक्सेसफुल है तो लोग उस जैसा बनने की कोशिश करते हैं. तो रीड द बायोग्राफी ऑफ द पीपल. बगैर मेहनत के सक्सेसफुल होते तो हम सब नहीं होते. हार्डवेयर तो वही, हम सबके पास वही है. तो फेलियर को अंडरस्टैंड करिए. तो बात सारी है कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हैं. वी आर स्टडिंग फॉर अ रीजन, कि हम लोगों की सक्सेस को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो फेलियर है उसको छोड़ते जा रहे हैं और सीख रहे हैं किताबों से, चीजों से. ठीक है, ठीक है. तो व्हाट आर द बॉटलनेक्स, इसमें क्या खराबी थी, इसमें क्या गलती थी, ये चीजें नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ये नहीं करेंगे. दैट इज एक्सपीरियंस. ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइप एंड सीवियरिटी, जो एरर आता है ना, जब एरर आता है तो ये उसकी टाइप होती है और सीवियरिटी होती है. टाइप का मतलब है अगर कॉस्मेटिक है, ये है किस तरह की. ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल, बट वो बहरहाल जो आप नोट करते हैं तो उसकी सीवियरिटी नोट करते हैं. अगर बहुत ज्यादा हाई सीवियर है तो फिर आप आगे नहीं जाने देते, शो स्टॉपर है या आ गए तो आप आगे नहीं जाने देते. लेकिन अगर कॉस्मेटिक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप कहते हैं भाई जाने दो उसको, सही कर लेना. ठीक है ना, तो डिपेंडिंग ऑन द, उसको ये समझ लें अगर आप करें 1, 2, 3, तो अगर 3 वाला है बहुत सीवियर है तो ये आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर 1 वाला है तो शायद आप कहेंगे ठीक है इसको सही कर देंगे. ठीक है, अब क्लोज हो गया तो देर आर लर्निंग लेसन. पढ़िए क्या लिखा हुआ है. खत्म हो गया है और रिलीज कर दिया आपने. ठीक है, लेकिन फिर आपने बैठ के सोचा कि भाई जरा देखो कितने डिफेक्ट आए थे, कितनी हाइड्रेशन आई थी. तो पता चला जी जो फलाने साहब हैं उनकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा थी और उनमें डिफेक्ट बहुत ज्यादा थे. ठीक है, तो वो क्या बता रहा है आपको, वो रिपोर्ट क्या बता रही है कि 15 डेवलपर थे, ये 2 डेवलपर की बहुत हाइड्रेशन थी और बहुत ज्यादा गलतियां थी. इज इट गिविंग यू ए रिफ्लेक्शन, बता रहा है नहीं बता रहा है? बता रहा है. ऐसी होता है ना जब सब कॉपियां चेक करते हैं 60 बच्चों की, तो कुछ कॉपियां बता रही होती हैं कि सर को पढ़ाना ही नहीं आता है. सर भी कहते हैं यार पढ़ाना ही नहीं आता है इनको, तो कुछ भी नहीं लिखा है इन लोगों ने. वाकई में अफसोस होता है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग विद. फिर बाकी दूसरे की कॉपियां देखता नहीं, नहीं, नहीं आता है बच्चों को, तभी लिखा. ठीक है, तो ये सारी चीजें. टेस्ट मैट्रिसेस का मतलब है, फिर आप मैट्रिसेस का मतलब है
ओके ऑनलाइन क्लासेस आपको आवाज आ रही है? बताएगा सर को? ठीक है, मैट्रिसेस का मतलब है फिर आप नंबर्स बताएंगे, ठीक है, कितना टाइम लगा। फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बनाने में 80 दिन लगे थे और टेस्टिंग करने में भी 80 दिन लग गए, क्यों 20 दिन लगे, फिर उसके बाद फिर 20 दिन लगे, फिर उसके बाद 20 दिन लगे, तो समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग। ये बता रहा है कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, पीपल आर नॉट टेकिंग देयर डेवलपमेंट सीरियसली, ऐसे नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ। तो ये सारी चीजें बता रहा है आपको कि समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ द कचरा, बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार टेस्ट हो रहा है, ठीक है, तो यू नीड टू टेक सम एक्शन। तो वो बॉटलनेक्स क्या थे? तो मैट्रिसेस है, ठीक है। एक चीज होती है डिफेक्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या चीज होती है? डेंसिटी एक वर्ड है अंग्रेजी का, क्या चीज होती है? जी मिट्टी की डेंसिटी ज्यादा होगी या रुई की डेंसिटी ज्यादा होगी? रुई की। तो व्हाट इज डेंसिटी? कम जगह में ज्यादा चीजें हो तो दैट इज डेंसिटी, हायर डेंसिटी। अगर बहुत सारी जगह में फैला हुआ है दैट इज लोअर डेंसिटी, ठीक है। तो अगर डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, मेरे डिफेक्ट ज्यादा आ रहे हैं, डिफेक्ट डेंसिटी मेरी 30% है, दैट इज हाई, लेकिन इसको मुझे रिड्यूस करना है 25 पे, रिड्यूस करना है 20 पे, अल्टीमेटली इसको 15 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए किसी भी टेस्ट केसेस में। तो ये मुझे बता रही है कि मेरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, प्रोसेस या टीम सही नहीं है। दिस मैट्रिक्स इज गिविंग मी अ नंबर, अ रिफ्लेक्शन, तो दैट इज मैट्रिसेस, बता रहे हैं ना मुझे। तो अच्छा ब्रा, मेरे कहने से नहीं होगा, आपके कहने से नहीं होगा, परफॉर्मेंस बताएगी, ठीक है, परफॉर्मेंस बताएगी ना किसकी, प्रोसेस की। डिफेक्ट डेंसिटी एक मैट्रिक्स है जिसे मुझे पता चल रहा है कि मेरा, अगर ये बहुत हाई है तो इसका मतलब है प्रोसेस सही नहीं है, लोग सही नहीं है, लेकिन ये अच्छा है, प्रोफेशनल है, तो 15% से ज्यादा नहीं होता, फिर ये रिकवर हो जाता है, सही हो जाता है। लेकिन अगर 30 आएगा तो फिर कम होगा, फिर होगा तो 3 आइट्रेशन चलेंगे, लेकिन अगर अच्छा सॉफ्टवेयर बन रहा होगा तो 2 आइट्रेशन से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? समथिंग इज गिविंग मी द रिजल्ट, है भाई, अब ये मेच्योरिटी है या नहीं है, गलतियां हो रही हैं या नहीं हो रही है? तो गलतियां नहीं हो रही हैं तो मुझे कुछ बताएगा, रिजल्ट बताएगा कि हाँ जी ये ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, कितना टाइम रह गया हमारे पास? ओके चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि इफ यू हैव टाइम तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को शुरू करेंगे। चलिए ऑनलाइन क्लास जरा मैं अटेंडेंस ले लूँ, उसके बाद फिर देखते हैं, इफ यू हैव टाइम लेफ्ट तो फिर मैं शुरू कर लूंगा, ठीक है। तो जरा अटेंडेंस बोलते जाइएगा, आइजन वासे आफ्ताब, वासे आप सबको कोई जानता है? एनीबडी नोज वासे आफ्ताब? मैं किसी क्लास में आए नहीं है यार, आई डोंट नो, उनका नाम तो आ रहा है, वी नॉट सीन इट। मुस्तफा शकील अहमद प्रेजेंट सर। ओके मुस्तफा लगा रहा हूँ। यासर अहमद नबील अकमल प्रेजेंट सर। अहद अली। अच्छा यहाँ वाले जरा जोर से बोलेंगे, मैंने लगाया मैंने तो आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम, ठीक है। अहद अली। अमीर अमीरुद्दीन प्रेजेंट। मोहम्मद खुजैम अंसारी। असद बेग। अली इरफान भट्ट। अली फारूक। हाफिज आफीफा फारूक प्रेजेंट सर। इरज फातिमा। सैयद माज बिन हनीफ। काजी फर्रुख हुसैन प्रेजेंट सर। सैयद अशर हुसैन। लेट मी